मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। I'm sorry, अमरीश भैया, सॉरी धवन, वो मेरी एक गलती की वजह से आप सबको लग रहा है कि ईशा दीदी ने ये सब किया, लेकिन ईशा दीदी ने कुछ भी नहीं किया, सब मेरी वजह से हुआ है। तू क्या कहना चाहती है तू छोटी बहन? वो माँ, एक्चुअली मुझे भी आज ही पता चला, जिस दिन गोलू किडनैप हुआ था ना, उस दिन ईशा दीदी का बैग भी चोरी हो गया था। तो मैं वहां गई थी, शायद से चोर नहीं वो ईशा दीदी का बैग वहां पर रख दिया होगा, मैं वो बैग यहाँ पर लेकर आ गई थी। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, पर 3 साल पहले जो हुआ था उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी। ईशा ये घर छोड़ के गई थी और अब इस घर में ईशा की कोई जगह नहीं है। ये जो लड़की खड़ी है ना, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसने गोलू को किडनैप किया था। ये कैसा खेल हो रहा है मेरे साथ? जिसे नीचा दिखाने के लिए ये सारा खेल रचा वो बेगुनाह साबित हो रही है, और मेरी बहन अपराधी बनकर मेरे सामने खड़ी है। सोच क्या रहे हो मोट? पुलिस ने तो उस लड़की को, मुझे भी वही लगा। फिर जब नताशा ने वो कमरबंद दिखाया, फोटो दिखाई, तो मुझे शक हुआ। मैं सोर्सेस से मैंने पता कराया तो पता चला कि जहाँ पे गोलू को किडनैप करके रखा था वहाँ पे एक बैग था, और वो